Hello everyone, myself Ashish Kumar and I welcome you all in this video. Today in this video we are going to complete our line by line explanation of chapter 10. So, देखो बाबू हम लोग अभी जो करने वाले हैं चैप्टर उसका क्या नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है किशोर अवस्था. जब हम लोग 13 ईयर के एबव हो जाते हैं ना तो हम लोग का जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है वो क्या होता है धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है. ठीक है. और वो मतलब इस लेवल पे डेवलप होने लगता है कि हम लोग रिप्रोड्यूस करने के लायक धीरे धीरे होने लगते हैं. ठीक. तो यही इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक. बेसिकली समझ में आ रहा है एडोलेसेंस. तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है. इन द प्रीवियस चैप्टर पिछला चैप्टर में यू हैव लर्न हाउ मेनी हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस. पिछले चैप्टर में आप पढ़े थे कि जानवर सब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अलग अलग जायगोट का फॉर्मेशन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इस सब के बारे में पढ़े थे ना. तो इसमें देखिए इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस. अब ऐसा नहीं ना हो सकता है कि कोई बच्चा जन्म लिया और फिर से वो रिप्रोड्यूस कर लिया तुरंत में. कुछ एज पे मतलब कुछ पर्टिकुलर उम्र होने के बाद ही वो रिप्रोड्यूस करने के लायक होता है. समझ में आ रहा है ना. तो इसमें देखो वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज. अभी क्वेश्चन आता है कि कुछ एज के बाद ही मतलब ह्यूमन बींग क्यों रिप्रोड्यूस कर पाता है. सवाल आ रहा है ना. तो देखो इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में आप क्या पढ़िएगा यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी. मतलब ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चेंजेस आता है जैसे वो 12-13 ईयर्स के से अबव चल जाता है. ठीक है. आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. उसके बाद क्या होता है वो रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाता है. ठीक. इन चैप्टर 9 में आप पढ़े थे अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन. चैप्टर 9 में तुम पढ़ा था ना जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में क्या क्या आता था. टेस्टिस आता था पेयर ऑफ टेस्टिस उसके बाद पेनिस और जो स्पर्म डक्ट था. ठीक है. वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े थे ना. तो हेयर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हॉर्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस. तो बहुत सारा चेंज आता है ह्यूमन बींग में जैसे कि तुम लोग जैसे जैसे ग्रो करेगा ना तो प्यूबिक पार्ट में हेयर ग्रो करने लगता है और दाढ़ी वगैरह आने लगता है. बहुत सारा चेंजेस होता है बॉडी में. ठीक है. उस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. समझ में आ रहा है. तो देखो सबसे पहला है टॉपिक एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी. ठीक है. एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी. तो इसमें देखो क्या बता रहा है. प्यूबर्टी किसको बोलेंगे और एडोलेसेंस मतलब किशोर अवस्था. ठीक है. तो इसके बारे में अभी पता चलेगा. देखो भूजो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. भूजो क्या चीज सेलिब्रेट कर रही थी अपना 12वां साल का बर्थडे. ठीक है. आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट जब उसका दोस्त छोड़ दिया भूजो एंड पहली बिगेन चैटिंग विथ देयर पेरेंट्स. पहली स्टडीज इन ऑल गर्ल्स स्कूल सी स्टार्टेड लाफिंग. वो हंसना शुरू कर दी. वो कुछ पढ़ी थी. ठीक. तो देखो क्या पढ़ी थी. सी रिमार्क्ड दैट मेनी ऑफ भूजोज स्कूल फ्रेंड्स हुम सी मीट आफ्टर अ ईयर. एक साल के बाद जब उन लोग अपना दोस्त लोग से मिली. ठीक है. तो क्या हुआ कि उसका दोस्त लोग जो था ना बहुत सारा उसमें चेंजेस मिलने देखने को मिला. जैसे कि हम भी लोग अगर जो 12-13 साल का बच्चा लोग है ना उन लोग को एक साल के लिए अगर तुम नहीं देखोगे ना अचानक लगेगा कि बहुत बड़ा बढ़ गया या फिर इस टाइप का एकदम अचानक ड्रास्टिक चेंज आता है. ठीक है. तो वही बताया जा रहा है. हेड सडनली शॉट अप इन हाइट. मतलब अचानक उसका हाइट क्या हो गया था बढ़ गया था. सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी. बहुत को क्या दिख रहा था बहुत मजाकिया टाइप का लग रहा था एकदम अचानक बढ़ गया था. समझ गया. विथ अ हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स. ओंठ के ऊपर में क्या हो गया था हल्का हल्का बाल आ गया था. ठीक. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप. तो मम्मी क्या बता रही थी लड़का लोग थोड़ा बड़ा हो गया लड़का. ठीक. ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बोर्न. तो ग्रोथ मतलब बढ़ने का शुरुआत कब होता है जैसे आदमी जन्म ले लेता है और वो बढ़ना शुरू हो जाता है होता है ना. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 or 11 एज जैसे क्रॉस कर लेता है तो क्या होता है देयर इज सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. तो एकदम अचानक इस टाइप का चेंजेज आएगा ना कि वो नोटिस करने के लायक होगा कुछ अलग ही टाइप का होता है. ठीक है.
अब इसमें देखो, द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप दे इंडिकेट्स दैट। तो जो भी चेंजेस आता है वो बॉडी का मतलब बॉडी को ग्रो करने का एक हिस्सा है, ठीक है। और दे इंडिकेट दैट, वो सब क्या चीज को इंडिकेट करता है, नो लॉन्गर अ चाइल्ड, मतलब अब तुम बच्चा नहीं रहा, अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक। बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट, मतलब जवान होने के रास्ते में है, ये दिखाता है। अब देखो इसमें पहली अरबु जो क्या क्या वंडर कर रही है, सोच रही है कुछ, आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन बॉडी विल लास्ट, मतलब वो सोचना चाह रही है कि कितना दिन तक ये चीज लास्ट करेगा, मतलब इतना सारा चेंजेस कितना साल तक होगा। अब इसके बाद फिर ये कौन है, पहली है कि बुझो, पहली है। तो देखो, इट इज स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ, ये जीवन का सबसे अचंभित करने वाला पीरियड होता है, जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है, इसमें क्या कि ड्रास्टिक चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है बॉडी में। वेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नोर एडल्ट, इस स्टेज में क्या होता है, तुम बच्चा भी नहीं रहता है और जवान भी नहीं रहता है, समझ गया। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम, तो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का इस पीरियड को एक स्पेशल नाम दिया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस, जिसको किशोर अवस्था बोलते हैं, ठीक। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, बढ़ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ वेन बॉडी अंडरगोज चेंजेस, तो उस पीरियड का बात कर रहा है जब बॉडी में क्या होता है, बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलता है, लीडिंग टू मैच्योरिटी, और वो क्या होता है, मैच्योर होने लगता है, मतलब मैच्योर का मतलब जान रहा है, मैच्योर का मतलब रिप्रोड्यूस करने के लायक, धीरे धीरे मतलब हो जाना, ठीक। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ, कब से शुरुआत होता है एडोलेसेंस का, 11 से लेके 18-19 साल तक चलता रहता है। सिंस दिस पीरियड कवर्स टीन्स, मतलब 13-18 या फिर 19, इसलिए इसको टीन भी बोलते हैं, टीनएजर्स भी बोलते हैं, देख लो बहुत को बोलता है टीनएजर, लोग नहीं बोलता है। 13, तो 14, 15, इस पीरियड को क्या बोलते हैं, टीनएजर्स भी बोलते हैं, एडोलेसेंस वाला पीरियड को। इन गर्ल्स, गर्ल्स में देखो एडोलेसेंस कब शुरुआत होता है एडोलेसेंस का, इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिंस अ ईयर और टू अर्लियर देन इन बॉयज, लड़का लोग से एक या दो साल पहले ही एडोलेसेंस का शुरुआत हो जाता है फीमेल में, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा लड़का लोग देखेगा, कोई लड़का का मुंह से जल्दी आ जाता है और कोई लड़का का एकदम 2-3 साल तक नहीं आ रहा, फिर आ रहा है, ठीक। तो आदमी उसका जेनेटिक्स से और भी बहुत सारा फैक्टर्स में डिपेंड करता है और वेरी करता है, यही बात बताया जा रहा है। तो ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो प्यूबर्टी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी क्या होता है, बहुत सारा चेंजेस को झेलता है एडोलेसेंस के पीरियड में, तो उसी स्टेज को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यही जो चेंजेस होता है, यही प्यूबर्टी का मतलब, एक प्यूबर्टी को मतलब मार्क करता है, यही बता रहा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये प्यूबर्टी का सबसे खास बात क्या है, प्यूबर्टी का स्टेज में जो भी मेल और फीमेल मतलब लड़का लड़की होता है, उन लोग रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाता है, समझ रहा है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलेसेंस रीचेस टू रिप्रोड्यूस मैच्योरिटी, मतलब पूरा जब मैच्योर हो जाता है, मतलब अच्छे से मतलब पूरा मतलब जवान हो जाता है, तो प्यूबर्टी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब जो चेंजेस वगैरह हम लोग बॉडी में देख रहे हैं वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर नॉर्मल आदमी के जैसा रहेगा, समझ गया। यही है इसका पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो पहली क्या वंडर कर रही है, पहली एंड बुजो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट, उन लोग क्या क्या रियलाइज कर रही है उसको सुनो, उसका हाइट इंक्रीज हो रहा है एकदम अचानक, कल एक इंच कम थे आज एक इंच बढ़ गए, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, सप्ताह दो सप्ताह में धीरे धीरे होता है। एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉयज, लड़का लोग में क्या हो रहा है, हल्का हल्का एकदम पतला पतला बाल आ रहा है, होंठ में आ रहा है, ठीक, इसको मूछ नहीं बोलता है। वर साइन ऑफ एडोलेसेंस, ये किसका साइन था, एडोलेसेंस का शुरुआती दौर का, ठीक। दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस
एट प्यूबर्टी, और भी क्या क्या चेंजेस होता है प्यूबर्टी के स्टेज में, इसके बारे में इन लोग जानना चाहते हैं। तो ये चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हम लोग को क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है प्यूबर्टी के, समझ रहा है? अब देखो, चेंजेस एट प्यूबर्टी, सबसे पहला चेंजेस क्या होता है, हाइट इंक्रीज करता है बच्चा लोग। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन हाइट, मतलब जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, हाइट में हम लोग को इंक्रीज देखने को मिलता है, मिलता है ना। एट दिस टाइम लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट, मतलब जो पैर का लंबा वाला जो हड्डी है उसको क्या बोलता था, लंबा हड्डी को थाई बोन, और ये सब क्या होता है, इलोंगेट होता है, मतलब लंबा होन, मतलब ज्यादा जल्दी से ग्रो करता है, समझ रहा है? इसके बाद देखो एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 10.1, द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का कौन सा एज में कितना ग्रोथ होता है, और देखो 100% कब हो जाता है, 18 साल जब पहुंच जाता है ना, तो आदमी समझ जाओ कि 18 साल पहुंचने तक में अगर मीडियम हाइट कर रहा तो लगभग वही आसपास में रहेगा, अचानक ड्रास्टिक कुछ चेंज नहीं आएगा 18 के बाद कि इतना लंबा हो गया, समझ गया ना, यही बता रहा है ये सब टेबल, इसको पढ़ना। इसके बाद फिर एक्टिविटी है, यूज द डाटा गिवन इन एक्टिविटी, ऊपर में जो डाटा है उसे एक ग्राफ बनाओ, टेक एज ऑफ द एक्स एक्सिस एज पर परसेंट ग्रोथ इन हाइट, मतलब ग्राफ बनाना है, तो देखो इसमें ग्राफ बनाया हुआ कितना परसेंट कब ग्रोथ होता है, तो 100% कब हो जाता है, 18 साल में 100% हो जाता है, समझ में आ रहा है? इसके बाद देखो, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, तो तुम लोग भी क्लास में अंदाज किया होगा कि जो क्लास की लड़की लोग है ना, शुरुआती दौर में जब 12-13 के एज में होगा तो लड़की लोग का हाइट एकदम सडनली तुम लोग से भी ज्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन फिर तुम लोग धीरे धीरे ग्रो करके उन लोग से भी बड़ा हो गया होगा, हो गया होगा ना, तो यही होता है। देखो इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, लड़का लोग से लड़की लोग क्या होता है, जल्दी ग्रो करती है शुरुआती दौर में, उसके बाद क्या होता है, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल के बाद क्या होता है, बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, दोनों क्या होता है अपना मैक्सिमम में, मैक्सिमम जितना हाइट उन लोग को ग्रो करना है उतना में पहुंच जाता है, समझ में आ रहा है? द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग आदमी में जो ग्रो करने का रेट है वो वेरी करता है, मतलब बहुत सारा फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर एक मेन फैक्टर है, फिर खाना पीना और भी बहुत सारा फैक्टर है जो डिपेंड करता है ग्रोथ, कोई आदमी कैसा बढ़ेगा उस पर उसी पे मतलब डिपेंड करता है, समझ रहा है? अब देखो, सम मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी, कोई अचानक ग्रो करता है, और बहुत कोई कैसा ग्रो करता है पता है, धीरे 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 ग्रो करते जा रहा है और करते रहेगा एकदम 18 साल तक, और कोई अचानक एकदम अचानक बढ़ गया और फिर उसका ग्रोथ रुक गया, इस टाइप से भी होता है। एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, बहुत सारा कोई क्या होता है धीरे धीरे ग्रो करता है, वही बताया जा रहा है। अब देखो पहली है कि बुझो है, हम पहचान ही नहीं सकते कौन है, तो देखो पहली बुझो वंडर कर रही है, आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टोलर माई फेस लुक्स मच स्मॉलर, अब वो पहली क्या सोच रही है कि हम तो बढ़ गए लेकिन मेरा चेहरा एकदम छोटा सा दिखता है, अब हम चिंता में आ गए हैं बोल रही है, समझ रहा है? तो अब देखो उसका भी कुछ रीजन बताया होगा, देयर इज नो नीड फॉर पहली टू वरी, अब क्या बोला जा रहा है, पहली को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनिशियली में ऐसे ही होता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट सेम रेट से सारा पार्ट नहीं ग्रो करता है, धीरे धीरे कुछ कुछ ग्रो होके चेहरा वगैरह सब धीरे धीरे 18 साल 19 साल पहुंचते पहुंचते मैनेज हो जाता है, समझ गया? वही बता रहा है, समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट एट एडोलेसेंस लुक्स ओवरसाइज, कुछ कुछ कभी किसी का नहीं देखेगा कि पैर एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया और शरीर उरीर बढ़ भी नहीं किया इधर का, वैसे भी होता है, समझ गया? विद द बॉडी बट सून आफ्टर अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट बॉडी, यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ फैमिली मेंबर, तो ये भी तुम नोटिस किया होगा कि घर का जो फैमिली में जो भी मेंबर सब है उन लोग का हाइट जिस लेवल का रहता है ना वही आसपास में ग्रोथ होता है, उसका जो नेक्स्ट इंडिविजुअल मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चा लोग होता है उन लोग में भी, दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन जीन्स, अब देखो जीन्स का कॉन्सेप्ट आया, जीन्स पे डिपेंड करता है, अब जीन्स क्या चीज में रहता है, जैसे कि हम लोग रिप्रोडक्शन में क्या पढ़े थे, मेल गैमेट क्या होता था, स्पर्म होता था ना, और फीमेल गैमेट
ओवा या फिर एग बोलते थे, ठीक। तो उसी में क्या होता है, जीन होता है, ठीक, जिसमें क्या होता है, पूरा इंफॉर्मेशन होता है पेरेंट्स के बारे में, समझ रहा है, वही बात बताया जा रहा है, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, जो कहां से आता है, पेरेंट्स से आता है, ठीक। इसके बाद देखो, इट इज हाउ एवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ, फिर भी क्या चीज का जरूरत पड़ता है कि हम लोग खाना पीना अच्छा से खाए ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो। बहुत कोई जेनेटिक में उन लोग को मतलब रहता है कि इतना ग्रो करना है, लेकिन उन लोग खाना पीना अगर सही से नहीं खा रहा है तो भी उतना हाइट तक नहीं पहुंच सकता है, नहीं पहुंच पाता है। दिस हेल्प्स द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। तो अगर खाना पीना अच्छा से खा रहा है तो क्या होगा, शरीर को अच्छा से मतलब नरिशमेंट मतलब पालन पोषण मतलब सब चीज जितना भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह का जरूरत है सब अच्छा से मिलेगा। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस डिस्कस्ड आफ्टर इन द लेसन। तो इसके बारे में भी, न्यूट्रिशनल का जरूरत जो होता है इसके बारे में भी चैप्टर में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले अभी सब पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चेंजेज आता है। अब देखो नेक्स्ट चेंज है, चेंज इन बॉडी शेप, मतलब हम लोग का बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेज आता है, ठीक। Have you ever noticed body in your class have broader shoulders and wider chest than boys in junior classes? तो क्या तुम नोटिस किया होगा कि जो हम लोग क्लास का जो लड़का लोग है उसका छाती क्या है, थोड़ा चौड़ा दिखता है जो जूनियर क्लास का बच्चा लोग है, मतलब बच्चा लोग का क्या होता है, चेस्ट थोड़ा वाइड नहीं रहता है, ठीक, धीरे धीरे वाइड होता है। Because they have entered the age of puberty. अब ये क्यों होता है बाबू, उन लोग प्यूबर्टी में पहुंच गया है इसीलिए, समझ रहा है। When shoulders generally broaden as a result of growth in girls, the region below the waist becomes wider. अब देखो क्या होता है, गर्ल्स में क्या होता है, ये जो चेस्ट का पोर्शन है ना वो भी उन लोग में भी थोड़ा वाइड हो जाता है, ये बता रहा है। इन बॉयज मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। बॉयज में क्या होता है, बॉडी का जो मसल्स होता है ना वो ज्यादा तेजी से और अच्छा से मतलब ग्रो करता है गर्ल्स के कंपेयर में, ये बता रहा है। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंस बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो लड़का और लड़की में जो चेंजेस होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है, समझ रहा है। अब देखो वॉइस चेंज, अब इसमें क्या चीज बता पढ़ना है कि लड़का लोग का आवाज है ना, और मतलब हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़े थे, जैसे कि लड़का लोग का क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, पढ़े थे ना, तो यही इसमें भी बताया जाएगा कि लड़की लोग का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है मतलब आवाज और मधुर हो जाएगा और एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मतलब चिल्लाने का कैपेसिटी कम हो जाएगा, लेकिन लड़का लोग का चिल्लाने का कैपेसिटी ज्यादा हो जाता है, वही बताएगा। देखो डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स वॉइस ऑफ सम बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स। क्या होता है, वॉइस क्रैक करने लगता है बहुत सारा लड़का लोग का। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं, लेरिंग्स बोलते हैं, वो क्या होता है, ग्रो करने का शुरू कर देता है, समझ रहा है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, तो बॉयज का क्या होता है, लड़का लोग का वॉइस बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज प्रोट्यूडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट। तो बहुत सारे लड़का लोग का ये जगह देख सकता है गला में कि एकदम निकल जाता है ना। कोल्ड एडमेंस एप्पल, इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। इन गर्ल्स द लेरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज इट्स स्मॉल साइज। तो गर्ल्स में क्या होता है, बहुत कम कोई का तुम देखने पाएगा, नहीं तो नहीं दिखता है जनरली, क्योंकि उसका साइज ग्रो नहीं करता है, छोटा रहता है। जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस। गर्ल्स का क्या होता है, हाई पिच वॉइस होता है, मतलब आवाज मधुर होता है, समझ रहा है, पूरा श्रीलनेस आता है। वेयर इज बॉयज हैव डीप वॉइस। डीप वॉइस मतलब एकदम बहुत एकदम कड़वा टाइप का, थोड़ा ठीक मोटा आवाज आता है। इन एडोलेसेंस बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स होर्स। कभी कभी क्या होता है, जो यहाँ का जो वॉइस बॉक्स है या फिर लेरिंग्स वो आउट ऑफ कंट्रोल अगर ज्यादा ग्रो कर जाता है ना तो आवाज एकदम फटने लगता है, एकदम क्लीन आवाज नहीं आएगा। दिस स्टेट मे रिमेन फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन कुछ सप्ताह तक ये स्टेट रहता है और उसके बाद फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो एडोलेसेंस के एज में कभी कभी किसी का तुम ध्यान देना कि आवाज एकदम अचानक फटने लगेगा, ऐसा भी होता है, समझ रहा है। अब देखो आप क्या बोल रही है,
मेनी ऑफ माई क्लासमेट हैव हॉर्स वॉइस, नाउ आई नो वाई. अब पहली बुझो क्या जान गई कि क्यों इतना हार्स वॉइस मेरा क्लास का कुछ कुछ लड़का लोग कह रहा है. समझ गया ना. अब देखो नेक्स्ट जो चेंजेस आता है वो क्या होता है, इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स. ठीक है, तो अब देखो पसीना सब ज़्यादा आने लगता है इस एज में. अब देखो ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वीट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स, सीबेसियस ग्लैंड क्या करता है, ऑयल को रिलीज करता है. इंक्रीजेस वो क्या होता है, बढ़ जाता है प्यूबर्टी के टाइम में, सिक्रेट होना मतलब निकलना, शरीर से बाहर निकलना. मैनी यंग पीपल गेट ए सीन. अब देखो इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे. अ फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वीट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड सिलेवरी ग्लैंड्स क्या करता है, रिलीज करता है उन लोग अपना मतलब जो भी होता है, जैसे कि स्वीट ग्लैंड क्या पसीना वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करता है थ्रू डक्ट्स, छोटा छोटा मतलब छोटा छोटा पतला पतला डक्ट रहता है मतलब नाली टाइप का. एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हॉर्मोन को रिलीज करता है डायरेक्ट जहाँ पे ब्लड बहता है ना, ब्लड का नाली उसी में. सो दे आर आल्सो टर्म्ड डक्टलेस ग्लैंड. तो एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि उसका एक अलग से डक्ट मतलब अलग से एक नाली नहीं रहता, वो डायरेक्ट ब्लड में ही अपना हॉर्मोन्स को छोड़ देता है. इसमें हम लोग क्या देख रहे थे लास्ट में, मेनी यंग पीपल गेट ए सीन एंड पिंपल्स. बहुत सारा कोई का क्या होता है, फुंसी वगैरह आने लगता है, देखा है ना, गाल वगैरह में पिंपल वगैरह का प्रॉब्लम आने लगता है. फेस एट दिस टाइम, ये किसके कारण होता है, जो ऑयली ग्लैंड है वो अपना सिक्रेशन को ज़्यादा रखता है, इसी कारण होता है. समझ में आ रहा है. अब देखो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गेन. तो सेक्स ऑर्गेन क्या है, जो हम लोग का मेल और फीमेल ऑर्गेन सिस्टम पड़े थे ना रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसमें भी डेवलपमेंट डेवलप करना वो भी शुरू कर देता है. अब देखो लुक ऑफ फिगर 9.1 एंड 9.3, 9.1 और 9.3 का फिगर को देखिए. और प्रीवियस लेसन, पिछले लेसन का, वी सो सेक्स ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमन्स. पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गेन्स लाइक, मेल सेक्स ऑर्गेन में क्या होता है, टेस्टिस होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेनिस होता है और उसका जो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट बोलते हैं. ठीक, वो क्या होता है, कंप्लीटली डेवलप कर जाता है. द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म. और जो टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस, वो क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. इन गर्ल्स, गर्ल्स में क्या होता है, ओवरी इनलार्ज एंड एग बिगिन टू मैच्योर. ओवरी का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है और अंडा जो होता है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है मतलब तैयार होना. ठीक, ऑल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग. और ओवरी क्या होता है, अंडा रिलीज करना शुरू कर देता है. समझ गया. अब देखो रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी. अब इस स्टेज में क्या होता है, आदमी लोग का सोचने समझने का जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ा धीरे धीरे डेवलप कर. इसमें देखो एडोलेसेंस इज ऑल्सो पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग. तो एडोलेसेंस के टाइम में क्या होता है, आदमी लोग अपना सोचने का तरीका को भी चेंज कर देता है. एडोलेसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर. तो देखो पहले जैसे आदमी लोग अपना मामा माता पिता के अंडर में रहता था, उससे थोड़ा मतलब इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब थोड़ा अकेले में इधर उधर थोड़ा बहुत घूम लेता है. और जो अपना आगे मतलब क्या चीज़ करना है इसके बारे में कॉन्शियस हो जाता है, मतलब सोचने लगता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ये सब के बारे में भी धीरे धीरे सोचना शुरू कर देता है. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड्स टू स्पेंड मोर कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग. मतलब उन लोग का दिमाग में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और उन लोग अपने आप को क्या करता है, और ज़्यादा अच्छा से सोचने लगता है, मतलब सोचने में अपना समय व्यक्त करने लगता है कि कैसे क्या होगा, ये सब मतलब थोड़ा स्ट्रेस में भी आता है कभी कभी. इन फैक्ट इट इज ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन ब्रेन. लेकिन ये जो टाइम होता है बाबू, ये टाइम सबसे मेन टाइम होता है जब हम लोग का जो ब्रेन होता है ना दिमाग में, अगर इस टाइम तुम अगर अच्छा से ध्यान देगा ना तो तुम्हारा दिमाग में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रहता है कोई भी चीज़ को सीखने का. अगर तुम थोड़ा सा अगर ध्यान दे रहा है और इधर उधर
मतलब खेलने उलने ये सब में, मतलब अदर एक्टिविटी में अगर ध्यान नहीं दे रहा है, डेविएट नहीं हो रहा है, तेरा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होने का चांस इस टाइम में रहता है, इस टाइम में अगर तुम ध्यान देगा तो, समझ रहा है। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलेसेंस मे फील इनसिक्योर, कभी कभी वो सोचता है कि हम लोग क्यों आए हैं, क्या किए हैं, मतलब एकदम डिप्रेस्ड टाइप का सोचने लगता है, सर लगता है ना। लेकिन तुमको एक एडोलेसेंस, तुम अभी क्या है, मतलब हार्डली होगा 15-16 साल का एज का होगा तुम लोग, 14 साल या 15 साल, तो तुम लोग को अभी एडोलेसेंस, तुम लोग लर्नर है, मतलब तुम लोग इस सब बात के बारे में अभी तुम लोग को पढ़ाया जा रहा है, तो तुम लोग को ये सब जो इनसिक्योर वाला जो फीलिंग आता है वो सबको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और यही सोचना है कि सब नेचुरल फिनोमिनन है और सब ठीक हो जाएगा कुछ समय के बाद, यही सोचना है, ठीक। अब देखो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब और क्या क्या हम लोग का जो चेंजेस है हम लोग का बॉडी में, सेकेंडरी चेंजेस वो सब देखने को मिलता है, वो सब के बारे में इसमें जानेंगे। तो देखो यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9, आप चैप्टर 9 में पढ़े थे कि टेस्टिस और ओवरीज क्या होता है हम लोग का, मेन मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, टेस्टिस और ओवरी, दे प्रोड्यूस द गेमेट्स, उन लोग क्या टेस्टिस मेल गेमेट प्रोड्यूस करता है और ओवरी फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करता है ना, दैट इज स्पर्म एंड ओवा। मेल गेमेट क्या है, स्पर्म है, और फीमेल गेमेट ओवा या फिर एग उसी को बोलते हैं। इन गर्ल्स ब्रीस्ट बिगिन टू डेवलप, गर्ल्स में क्या होता है उनका जो छाती होता है ना, छाती वाला पार्ट वहाँ पे वो डेवलप करना शुरू हो जाता है। इसके बाद है एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, लड़का लोग में क्या होता है फेशियल हेयर, मतलब फेस वगैरह में हेयर सब आना शुरू हो जाता है, इसको हम लोग दाढ़ी मूछ बोलते हैं ना, ये सब धीरे धीरे डेवलप करना शुरू हो जाता है, देख लो मूस्टेक मतलब मूछ बोल रहा है और दाढ़ी। एज दीज फीचर्स हेल्प इन डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, और यही फीचर्स जो मेल और फीमेल को अलग मतलब हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, यही है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मतलब अगर तुमको 1-2 साल का बच्चा लोग को अगर तुमको अच्छा से अगर उसको ड्रेसअप कर दिया ना, कोई लड़की को लड़का का ड्रेस में, तो कोई आदमी पहचानने भी नहीं सकेगा कि लड़का है कि लड़की है, समझ गया ना। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या हुआ, हो गया वो सब कैरेक्टरिस्टिक जो कि मेल और फीमेल को अलग बनाता है, वही है उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, उन लोग का चेस्ट में भी थोड़ा बहुत फाइन हेयर्स आना शुरू हो जाता है, ठीक। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर्स ग्रो अंडर आर्म्स, और लड़का और लड़की दोनों में क्या होता है आर्म्स के अंडर में हेयर ग्रो करना शुरू हो जाता है, एंड एबव द थाई इन द प्यूबिक रीजन, जो पैर के ऊपर का रीजन है ना प्यूबिक रीजन, जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, उस सब जगह में भी हल्का फुल्का हेयर आना शुरू हो जाता है, वही बताया जा रहा है, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद देखो बोथ वुजू एंड पहली विश टू नो वाट इनिशिएट द चेंजेस एट प्यूबर्टी, अब दोनों जानना चाहते हैं कि क्या चीज जो बॉडी में चेंजेज आता है उसके कारण ये सब चेंजेज आता है, हेयर्स वगैरह का ग्रोथ वगैरह, समझ रहा है। तो अब देखो द चेंजेस विच अकर्स एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, तो जो भी चेंजेज आता है एडोलेसेंस का स्टेज में उसको कंट्रोल कौन करता है, हॉर्मोन के द्वारा वो कंट्रोल होता है। हॉर्मोन्स क्या होता है, हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होता है, दीज आर सिक्रेशन फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड, ये कहाँ से सिक्रेट होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से सिस्टम, इंडोक्राइन ग्लैंड या फिर इंडोक्राइन सिस्टम से सिक्रेट होता है, मतलब निकलता है। मेल हॉर्मोन्स और टेस्टेरोन्स बिगिंस टू रिलीज बाई टेस्टिस, और जो मेल हॉर्मोन है मेल में जो जितना भी हेयर वगैरह जितना भी ग्रो होता है ना उसके लिए कौन रिस्पॉन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होता है टेस्टिस से, ठीक है। टेस्टिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, तो वहाँ पे स्पर्म के अलावा क्या होता है टेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होता है, समझ गया, वही इसके लिए जिम्मेदार रहता है। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी दिस काउजेस चेंजेस इन बॉडी अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न्ड, तो जो जो चेंजेस अभी हम लोग पढ़े ना जो जो चेंजेस आता है वो कौन काउज करता है, यही टेस्टेरोन हार्मोन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, जो भी चेहरा सब में बाल उल का आने का जो शुरुआत होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है, यही टेस्टेरोन हार्मोन में मेल में, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, वंस इट इज रीच्ड इन गर्ल्स ओवरीज बिगेंस टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन्स और एस्ट्रोजन, और फीमेल में क्या होता है फीमेल हार्मोन जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन भी होता है, उसके बारे में और आगे क्लास में पढ़ेगा, जो क्या होता है विच मेक्स द ब्रीस्ट डेवलप, जो छाती का ऊपर वाला पोर्शन होता है वाइडर हो जाता है उसको भी डेवलप करने में कौन हेल्प करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में, ठीक। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और
मेमोरी ग्लैंड डेवलप्स इनसाइड द ब्रीस्ट, जो छाती के अंदर में है, जो मिल्क सिक्रेट करने का काम करता है, वो सब ग्लैंड कहाँ पे डेवलप होता है? यहीं पे छाती में डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक। और वो उसको कौन डेवलप करवाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, याद रहेगा ना। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन इंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो, इस सबका जो मेन जो कंट्रोल रहता है ना, सेंट्रल कंट्रोल, वो रहता है ब्रेन के इधर पीछे पोर्शन में ना, यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, वो उसका मेन, मतलब वो उसको निर्देश देता है कि तुम अब एस्ट्रोजन और जो मेल में हार्मोन रिलीज हो रहा है टेस्टोस्टेरोन, उसको तुम रिलीज करना शुरू कर दो, ऐसा मतलब वही कमांड देता है, समझ गया ना। तो मेन कंट्रोल किसके अंदर में रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में, ठीक, याद रहेगा। तो देखो, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है कोई भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन या फिर कुछ भी मतलब फंक्शन को करवाने के लिए? तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या जाने थे, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? उसका कोई वेसल्स नहीं रहता है, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपना हॉर्मोन को रिलीज करता है और वो टारगेट साइट में पहुंचाता है ब्लड स्ट्रीम के ही थ्रू, मतलब खून जहां पे बहता है ना, खून का जो आर्टरी कैपिलरी वेन होता है उसी से। द टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन, जो हार्मोन वो रिलीज करता है ना ब्लड स्ट्रीम में, तो जहां पे जाना रहता है ना वही उसको रिस्पॉन्ड करता है, बाकी सब इग्नोर कर देता है हार्मोन को, मेरा कोई काम नहीं है इसका, समझ गया। देयर आर मेनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन बॉडी, बहुत सारा इंडोक्राइन ग्लैंड है और इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड का, क्योंकि इसमें कोई भी इसका स्पेशल डक्ट नहीं होता है, समझ में आ रहा है। अब देखो, द टेस्टिस एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन, तो इससे क्या होता है, उन लोग रिस्पॉन्ड करता है इंडोक्राइन ग्लैंड का जो हार्मोन से, रिस्पॉन्ड करके क्या होता है मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है टेस्टिस और ओवरीज, आ रहा है समझ में बाबू। इसके बाद देखो, यू हैव जस्ट लर्न्ड दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब हम लोग क्या जाने कि अगर मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज हो रहा है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि बियर्ड और मूंछ का आ जाना, और क्या है, और फीमेल में जो ब्रीस्ट के ऊपर का पार्ट है वो डेवलप करता है, ब्रीस्ट वाला पार्ट, छाती वाला पार्ट। फर्दर द सेक्स हॉर्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो ये सेक्स हॉर्मोन है वो किसके कंट्रोल में रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में, ठीक। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हॉर्मोन्स, वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर इन ओवरीज एंड स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, बहुत सारा अलग अलग हॉर्मोन अलग अलग चीज को डेवलप कराने के लिए सीक्रेट करता है, उसमें से एक क्या करता है, फीमेल का जो ओवा होता है जिसको एग बोलते हैं उसको सीक्रेट कराने में हेल्प करता है, और दूसरा क्या चीज, स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्म का फॉर्मेशन में भी मेन कंट्रोल किसके अंदर में रह रहा है, पिट्यूटरी के अंदर में रहता है ना। अब देखो, अब क्या दिया हुआ है, देखो इसमें हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो क्या होता है, जो भी हॉर्मोन्स पिट्यूटरी से रिलीज करता है वही क्या करता है, टेस्टिस और ओवरी जो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको जाके मतलब एक टाइप से समझो कि कमांड देता है कि तुम लोग अपना टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर दो। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपना हार्मोन को कहाँ रिलीज करता है, ब्लड स्ट्रीम में, और वो मतलब सीधे टारगेट साइट में ही जाता है और वहीं पे मतलब काम करता है, जहां उसको भेजना रहता है वो वहीं पे चल जाता है ब्लड स्ट्रीम के ही थ्रू से, मतलब खून जहां से बहता है। इसके बाद देखो, स्टिमुलेट चेंजेस इन बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और जब प्यूबर्टी का टाइम आ जाता है तो बहुत सारा चेंजेस जो बॉडी में आता है वो होता है। तो यही इस डायग्राम के डायग्राम से समझाना चाह रहा है। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, पहली एंड वुजो हैव नाउ अंडरस्टूड, अब पहली और वुजो समझ चुकी है कि प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो प्यूबर्टी वो टाइम होता है जब हम लोग रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाते हैं, यही बताना चाह रहा है। बट दे वांट टू नो इट इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिंस कंटिन्यूज और एंड्स अप, अब वो क्या जानना चाहती है कि अगर रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोड्यूस करने का जो लाइफ है वो एक बार जो शुरू हो गया वो जिंदगी भर चलता रहता है कि उसका कुछ लिमिटेड पीरियड रहता है कि इतना ही साल के बाद आदमी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो इस सब के बारे में हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।